तो गाइस देखिए, ये हम लोग अभी फ़िलहाल हैं हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पार्क में, और ये हौसा बना हुआ है माशाल्लाह, और पानी ठंडा है। मुझे तो कलम पाक मिल चुका है, कुरान पाक हदीये के तौर पे। ना तेरा खुदा, कितना डेंजर सा पहाड़ है। हम लोग गाड़ी वहाँ खड़ा करें गाइस, बंद करके रखे एरिया में गाइस। यहाँ पर जो है देख रही है, ये मस्जिद का दिख रहा है, यहाँ पर हुज़ूर सल्लम जो है नमाज़ पढ़े थे। जज्जाल आएगा यहीं पर उतरेगा, जज्जाल को जो है अंदर जाने का परमिशन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये मदीना सीरीज का दूसरा ब्लॉग है फैमिली के साथ। एक ब्लॉग अभी ख़त्म किया हूँ, दूसरा शुरू किया हूँ, और अभी जो है गाइस हम लोग फैमिली के साथ ज़ियारत में निकले हुए हैं, विजिट में निकले हुए हैं। मदीना शरीफ का जितना भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस है और तारीखी मकान है, जो भी इस्लाम का पुराना मकान है, मस्जिद वगैरह है, वो सारा अभी हम लोग कवर करेंगे गाइस। वीडियो बड़ा होएगा तो दो वीडियो बना दूंगा, सीरीज़ बना दूंगा गाइस। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे मकान को आप लोग को लेके जाऊंगा, आप लोग को विजिट वगैरह कराऊंगा। अभी फ़िलहाल पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए गाइस, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मस्जिद है, अभी तो फ़िलहाल बंद है। ये देखिए, ये मेरे पीछे जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने का मस्जिद है गाइस। अभी स्टोर करके पत्थर से बंद करके रखा हुआ है गाइस, इसको इबरत के तौर पे देखने के तौर पे। ये मस्जिद नबवी से, ये मस्जिद नबवी से गाइस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो गाइस ये है मस्जिद माशाल्लाह, ये गाइस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मस्जिद है, और अभी इसको बंद करके रखे हुए, इसके अंदर नमाज वगैरह नहीं होता है, बस इबरत के तौर पे कोई आता है विजिट के लिए, ज़ियारत के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ से ये पीछे साइड में गाइस मस्जिद है नबवी, यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये फर्स्ट वाला मस्जिद है। यहाँ पर गाइस जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके नमाज पढ़े थे। इसके बाद जो है ओहद वाली, ओहद में एक मस्जिद है, इसके बाद जो जब ओहद का जंग हुआ था गाइस यहाँ नमाज पढ़े थे, फिर ओहद में भी गए थे, ओहद में भी नमाज पढ़े थे। तो हम लोग अभी आए हैं ज़ियारत के लिए यहाँ पर, यहाँ पर बस बाहर से ज़ियारत कर सकते हैं, यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ने का तो अभी बंद है। जहाँ जिस मकान पर नमाज पढ़ने का रहेगा हम लोग नमाज वगैरह पढ़ेंगे गाइस। तो गाइस हम लोग माशाल्लाह, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको तौफीक दिया सारा चीज़ देखने का, इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दिया तो आज सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तकरीबन 16-17 मकान जो है पुराने ज़माने का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो इस्लामी तारीख है, वो सारा चीज़ इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दिया तो हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी जो है गाइज़ मैं सारा चीज़ कवर करने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो गाइज़ बड़ा हो जाएगा तो मैं दो सीरीज़ में बना दूँगा, दो पार्ट में बना दूँगा गाइज़। तो चलिए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर देख लिए, ज़ियारत वगैरह हो गया, अब हम लोग चलेंगे दूसरी जगह पर। तो बन रही है सर गाइज़ मेरे साथ वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना गाइज़। आज जो आपको पूरे आप लोग जहाँ भी बैठे वहाँ पर बैठे बैठे पूरा आपको मदीने का जो भी तारीखी मकान है, तकरीबन 17-18 मकान है, आप लोग को सारा कुछ इंशाल्लाह विज़िट कराने का कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और आप लोग को भी जो देखें उनको भी आने की तौफीक दे मदीना मनवरा। तो हम लोग के साथ में गाइस और भी फैमिलीज़ है इधर विज़िट के लिए, और भी दो फैमिली है, देखते होंगे हमारे साथ में ये। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मोहब्बत। अभी हम लोग आगे एक जगह पे पहुंचे हुए हैं, ये जगह का नाम गाइस ये ओहद का पहाड़ है गाइस ये पूरा, और यहाँ पर जो है सामने एक मस्जिद फसक है। यहाँ पर गाइस ये सामने आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये सामने देखिए मेरे सामने बिल्कुल जो सीमेंट का बना हुआ दिख रहा है, वहाँ पर हुजूर सल्लम आके बैठे हुए थे। तो जब हुजूर सल्लम जंग हो रहा था तो हुजूर सल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया था, टूट गया था, तो यहाँ पर आके हुजूर सल्लम ऊपर बैठे थे तो जगह नहीं था, तो जिब्रील अलैहि सलाम आके यहाँ पर इसको दो फाड़ किए थे गाइस पहाड़ को जो है, इसको दो साइड में हो गया, देखिए उसमें सीमेंट लगा के अभी जॉइंट किए हैं। तो हुजूर सल्लम ऊपर अंदर जाके उस गार के अंदर बैठे थे। देखिए गाइस कितने सारे लोग यहाँ पर जो है ज़ियारत करने आए हुए हैं। देखिए गाइस, ये गाइस पूरे केरला से, इंडिया केरला से, ये गाइस पूरे सामने इंडोनेशियन मलेशियन लोग हैं, और मेरी बेटी भी है साथ में, रुकैया नाज। एक्चुअली गाइस ऊपर जाना बंद कर दिया, मना करके रखे, गेट में लॉक करके रखे हुए एरिया में गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ सारा कुछ हिस्ट्री, देखो ये बंद करके रखे ना, इसके अंदर ये मस्जिद था। तो गाइस यहाँ पर हुजूर सल्लम रुके थे, नमाज वगैरह पढ़े थे। नहीं। नहीं।
इधर जो बंद करके रखे एरिया में गाइस, यहाँ पर जो देख रही है ये मस्जिद का दिख रहा है, यहाँ पर हुजूर सल्लम जो है नमाज़ पढ़े थे गाइस, असर का मगरिब का यहाँ नमाज़ पढ़े थे। सफ़र में रहते तो चार रकात के बदले दो रकात पढ़ते, यहाँ नमाज़ पढ़े थे। ये एरिया है गाइस पूरा अंदर जो ये बंद करके रखे हुए हैं गाइस, इनसाइड में ये पूरा एरिया आप लोग को अंदर से गेट के पास से दिखाता हूँ। ये बाहर जो है लगा के रखे, हेरिटेज एरिया बना के रखे। ये अंदर जो है गाइस पहाड़ है, आप लोग को हाँ ये अंदर कवर करके रखे ना मम्मा, आपको दिखाता हूँ मम्मा। तो गाइस देखिए ये हुजूर के टाइम का गार है, गुम्फा है, केव है गाइस। अभी तो फिलहाल बंद हो गया, मैं ऊपर चढ़ के शूट कर रहा हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और 2019 में ये 19 तक जो है ये खुला हुआ था पूरा, और लोग बोलते हैं जो इसके अंदर, मैं तो नहीं गया हूँ, 2019 में जो इसके अंदर गए हैं वहाँ पर नफल वगैरह पढ़े हैं, बोलते हैं तब तक जो है बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी, बहुत ही प्यारी जो है इतर की खुशबू जैसा आती थी, ऐसा लग रहा था। हुजूर सल्लम यहाँ से अभी अभी तशरीफ़ लेके गए हैं, यहाँ हुजूर सल्लम बैठे हुए थे, तो माशाल्लाह अभी तो बंद कर दिए गाइस। तो ये हुजूर सल्लम यहाँ से गुजरे हुए थे, इधर वो गार में बैठे हुए थे। तो अभी भी लोग बोलते हैं जब 19 तक खुला था उसके अंदर गाइस बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी। तो चलिए गाइस जितना कुछ हो सकता है मैं ऊपर चढ़ के आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हर जगह पर क्या है सारा कुछ बंद वगैरह कर दिए, पहले के ऐसा ओपन नहीं है, हर जगह पे गाइस बंद कर दी, हेरिटेज साइट लगा के साइन बोर्ड लगा दिए, कुछ उसको कंस्ट्रक्शन साइट कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे या कुछ करेंगे। पहले खुला होता था 2018-19 तक। तो चलिए जितना पॉसिबल हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा एरिया दिखा रहा हूँ। तो अभी चलिए अभी नेक्स्ट कहाँ चलते हैं देखते। तो गाइस देख रहे होंगे उस्मान वेल लिखा हुआ है गाइस, ये पार्क के अंदर जो है एक कुआँ है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़रीद के साहबियों के लिए पानी मुयन कराए थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से सफ़र करके मदीना आए थे। तो मदीने में कहीं भी मीठा पानी नहीं था, एक ही यहाँ पर जगह पे यहूदी का एक कुआँ था जो मीठा पानी था, तो यहूद जो था बेचने को मना कर रहा था। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसको ख़रीद के ज़्यादा पैसा दे के ख़रीद के और साहबियों के लिए जो है फ्री मुफ्त जो है गाइस पानी मुयन कराए थे। तो हुजूर सल्लम बोले इस जो ये कुआं खरीदेगा जन्नत में अल्लाह ताला इसी तरह उसके लिए कुआं का इंतजाम करेगा। ना तेरा खुदा कोई और है। ये गेट देखा ना, उसमें लिखा है एंड ऑफ अरम निहायतुल हज अलहरम, अभी अरम का अंदर है ना, ये गेट खत्म हो गया ना, अरम का बाहर है ये पार्ट। अरम का नाम क्या बोले? जूफ। ये हरम का हुदूद का बाहर है ये पार्ट, अभी हरम खत्म हो गया, मदीना है ना, मदीने का हरम खत्म हो गया। तो गाइस अभी नेक्स्ट मैं आके पहुंच चुका हूँ मदीने के जो है कुरान के फैक्ट्री में, जहाँ पर कुरान बनता है, कुरान का प्रिंटिंग होता है, होली कुरान सर्विस सेंटर इसका नाम है। तो मदीने का अभी हम लोग उसके अंदर जाने वाले हैं, अभी हम लोग क्यू में खड़े लाइन में लगा है। ये देखिए गाइस ये जेंट्स का लाइन है, ये लेडीज़ का लाइन अलग से है। ये सामने देखिए होली कुरान सर्विस सेंटर लिखा हुआ है मदीना। ये गाइस जो है कुरान का फैक्ट्री है और इसके अंदर जो भी विजिट करने जाता है, ज़ियारत करने जाता है अंदर, हर इंसान को एक एक जो है कुरान हदिया में मिलता है, मतलब फ्री में हदिया में फैक्ट्री की तरफ से उन लोग देते हैं, हुकूमत की तरफ से। तो देखिए कितने पब्लिक लाइन लगाए हुए, देखिए गाइस ये सारे ज़्यादातर इंडोनेशियन मलेशियन ज़्यादा ही दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी पूरे वर्ल्ड के पब्लिक दिख रहे हैं लगभग। और ये जो हम लोग का जेंट्स का लाइन है और ये लेडीज़ का लाइन है, ये अंदर कुरान प्रिंटिंग होता है। इसके बिल्कुल सामने ये जूस पहाड़ है, यहाँ आखिर ज़माने में कयामत के टाइम में जो गाइस काना दज्जाल आएगा तो ये हरम के बाउंड्री के बाहर का एरिया है गाइस। जो दज्जाल आएगा यहीं पर उतरेगा, दज्जाल को जो है अंदर जाने का परमिशन नहीं है मदीने में, तो यहीं से ऊपर से उतर के देखेगा। तो गाइस वीडियो अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दो पार्ट में बनाऊंगा, कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में आप लोग को कम से कम टाइम में दिखाने का कोशिश करूं सारा कुछ। मुस्तफा मुस्तफा मंबाउल सफा सैयदुल अंबिया, उसका सभी इधर लिखा हुआ है विजिटर पैसेज, ज़ियारत के लिए आने वालों की गुजरगाह ऐसा लिखा हुआ है। ये सारा प्रिंटिंग प्रेस है, लोग इधर से जा रहे, इधर से लोग थोड़े निकल रहे। देखिए गाइस यहाँ पर देखिए हर आदमी के हाथ में एक एक आप लोग को कुरान पाक देखने को मिलेगा।
सबके हाथ में कुरान पाक देखने को मिलेगा आप लोग को गाइस देखिए। ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه ان شاء الله تبارك الله سب لوگ کو ایک ایک قرآن پاک ہدیہ کے طور پہ دیا جا رہا ہے دیکھیے قرآن کو جو ہے ترتیب سے رکھا ہوا ہے ماشاء اللہ ادھر لوگ ہیں کتنے لوگ آ رہے اور کتنا قرآن ڈسٹریبیوٹر ہو رہا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں پہنچ چکے ہم لوگ اندر अभी अंदर चलेंगे सारा प्रिंटिंग का प्रोसेस वगैरह शायद देखने को मिलेगा तो अच्छा रहेगा आप लोग को भी दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू। लोग का हुजूम देखिए और नीचे पूरा जो है इस कुरान का काम चल रहा है माशाल्लाह। ये देखिए गाइस पूरे बड़े बड़े मशीनें लगे हुए हैं गाइस उधर पूरे कुरान का काम चल रहा है और यहाँ पर भी गाइस कुछ सैंपल्स वगैरह रखे हुए हैं CD MP3 जो कैसेट सारा कुछ इसमें कुरान स्टोर है गाइस ये बच्चों के लिए गाइस है। फाजा शौकन इलै लैस अर्जु सिवा शरबतन मिन यदै अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समाइर तक्वा फाता बिन नक्वा वगदा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जो है देखने का अल्लाह ताला ने मौका दे दिया मेरे फैमिली के साथ अल्लाह का शुक्र है। पूरे बड़े बड़े मशीनें लगे हुए हैं अंदर जो है पूरा कुरान प्रिंट हो रहा है कुरान जो है कलाम पाक प्रिंट हो रहा है माशाल्लाह तबारक अल्लाह देखते हुए कितना नीट एंड क्लीन जो एनवायरनमेंट है अंदर का माशाल्लाह। ये ऊपर से हम लोग विजिट वगैरह कर लिए अब निकलेंगे यहाँ से बाहर गाइस। अब यहाँ से बाहर निकल के नीचे उतर के गाइस वहाँ पर सामने जो है कुरान वगैरह हदिया दे रहे हैं वहाँ से हदिया लेंगे कुरान वगैरह फिर बाहर निकलेंगे इस। और लेडीज़ हमारी फैमिली वगैरह जो थी और दूसरी फैमिली हम लोग के साथ में थे उन लोग अभी पीछे ही है आए नहीं है क्योंकि एक जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग करके छोड़ रहे इसके लिए। गाइस हम लोग फाइनली आके पहुंच चुके हैं जहां पर लोगों को कुरान हदिया में दिया जा रहा है माशाल्लाह। तो हम भी यहां से कुरान की फैक्ट्री से हदिया लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए गाइस लाइन से जो है कुरान माशाल्लाह रखा हुआ है और एक एक करके तकसीम किया जा रहा है माशाल्लाह। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कुरान पाक मिल चुका है अल्लाह का शुक्र अल्लाह लाख। एक देखिए सभी लोग को गाइस यहाँ पर एक एक कुरान हदिया में दिया जा रहा है माशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मुझे तो कलाम पाक मिल चुका है कुरान पाक हदिये के तौर पे। अभी उन लोग भी आ रहे फैमिली वगैरह उन लोग को भी इंशाल्लाह मिलेगा उन लोग लेके जैसे आएंगे हम लोग बाहर निकलेंगे। अब देखिए गाइड हम लोग को और कहाँ कहाँ घुमा रहा है कोई कोई जगह पे गाइस गाड़ी से ही हम लोग घूम जा रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो नहीं उतर रहा है गाड़ी के अंदर से ही हम लोग को जो है हिस्ट्री इतिहास डिटेल में बता दे रहा है हम लोग को और कहीं कहीं हम लोग को जहाँ उतरने का है तो उतरता है तो बहुत सारा जगह गाड़ी से ही हम लोग को बता दिया दो तीन जगह तो उतरने का मौका नहीं मिला तो नहीं तो वो भी आप लोग को दिखाता था तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उतर रहा है। अभी तक तो करीब 4-5 जगह घुमा ही दिया। अब तो यहाँ पर भी कुछ बाहर देखिए कुरान फैक्ट्री के सामने कुछ कुछ बेच रहे तो गाइस यहाँ पूरा मार्केट वगैरह लगा हुआ है कुरान के फैक्ट्री के बाहर देख रहे होंगे आप लोग ये सारा कुछ सामान बेच रहे। हम लोग का गाड़ी वाला जल्दी कर रहा था हम लोग उधर जा रहे मैं भी एक बैग खरीद लिया गाइस एक बेटी बोल रही थी तो मैं भी एक बैग ले लिया। उधर भी गाइस देखिए बहुत सारा सामान वगैरह मिल रहा है बसेस खड़े हुए दुकानें लगे हुए तस्वीर। फिलहाल मैं आके पहुँच चुका हूँ मस्जिद किबलतन में यहाँ पर गाइस जो है जब हज़रत नमाज़ पढ़ रहे थे दो रकात नमाज़ पढ़ चुके थे तो हुकुम आया किबला चेंज करने का यहाँ से फिर पहले जो है मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे तो बाद में यहाँ पर से चेंज हुआ यहाँ से फिर जो बाद में यहाँ से जो है मक्का की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू किया गया।
इसके लिए यहाँ पर इस मस्जिद में दो किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़े, इसके लिए इसका नाम जो है मस्जिद है किबलतैन है। तो मस्जिद के अंदर भी लेके आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ दो रकात नफल पढ़ेंगे और मस्जिद में अभी जो मार्किंग किया हुआ है किबलतैन का वो भी आप लोग को दिखाऊंगा गाइस। चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं, वजू वगैरह करते हैं, फिर मस्जिद में चले गए। तो वैसे ये जो है मस्जिद किबलतैन है, हम लोग अभी मस्जिद किबलतैन के अंदर जा रहे हैं, यहाँ दो रकात नफल नमाज़ पढ़ेंगे और आपको अंदर भी दिखाता हूँ जो किबला चेंज हुआ है दोनों साइड, वो भी आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी दो रकात नमाज़ हो चुका है मस्जिद किबलतैन में गाइस। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे हाजी लोग जो भी आते हैं यहाँ पर भी ज़ियारत करने विज़िट करने आते हैं, दो रकात नफल नमाज़ पढ़ते और मैं भी गाइस दो रकात नफल नमाज़ पढ़ लिया हूँ और ये दिखाता हूँ मैं आप लोग को। अभी जो है गाइस लोग देखिए इस तरफ नमाज मुंह करके नमाज पढ़ रही है जो गाइस मक्का की तरफ है, और पहले जो किबला था गाइस ये इस तरफ था गाइस। ये देखिए उधर एक मुसल्ले का निशान बना हुआ है सामने, देखिए ये मस्जिद अक्सा की तरफ जो फलस्तीन उस तरफ जो है गाइस किबले का निशान था। पहले जो है नमाज उस तरफ मुंह करके पढ़ा जाता था, तो एक दिन हुज़ूर सल्लम एक औरत बीमार थी तो उसको देखने के लिए आए थे, तब नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ रहे थे असर का, तो चार रकात नमाज दो रकात नमाज पढ़ लिए थे, तो हुक्म आया कि अभी हुसलम को जो मक्का बहुत प्यार था तो नमाज जो है इस साइड में पढ़ना है मक्का की तरफ, तो तभी से फिर ये किबला जो है चेंज हो गया मक्का की तरफ हो गया। तो इसी का नाम यही जगह पे जो घर था वो पहले यही जगह पे जो है नमाज का हुक्म आया था चेंज करने का किबला, तो इसी के लिए इसका नाम जो है मस्जिद किबलतैन पड़ गया, यानी दो किबले वाली मस्जिद इसको बोलते हैं मस्जिद किबलतैन। तो चलिए गाइस नमाज वगैरह पढ़ लिया, अभी चलेंगे बाहर देखते हैं उन लोग किधर है फैमिलीज वगैरह, वो लोग लेडीज़ का एरिया अलग है, हम लोग यहाँ नमाज वगैरह पढ़ लिए चलेंगे इस बाहर। तो गाइस देखिए मेरी बेटी जो है कबूतर के साथ खेल रही है यहाँ पर, हर जगह गाइस कहीं भी जाओगे आप लोग मक्का में मदीने में बहुत सारे कबूतर मिल जाएंगे। मामा इधर देखो कबूतर उड़ा दे रहे पूरा, पढ़े नमाज पढ़ ली। तो माशाल्लाह गाइस मस्जिद किबलतैन में भी दो रकात नमाज वगैरह हो चुका है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है, ना तू बन सका ना बना सका वो ना। तो गाइस देखिए पीछे कितने सारे कबूतर गाइस, बच्चे लोग कबूतर को उड़ा रहे हैं, आप जहाँ भी जाओगे कबूतर देखने को मिल जाएंगे, छोटे बच्चे लोग कबूतर के साथ खेल रहे हैं मजा कर रहे हैं माशाल्लाह कबूतर को उड़ा रहे हैं। चलो मम्मा भी उड़ा दिए कबूतर ना, बहुत सारा ना मम्मा उड़ा दिए ना। चलो तो गाइस अभी आप भी आके हम लोग और एक जगह पे पहुँचे हुए तारीखी मकान पे जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर था, पीछे में उनके सामने एक पहाड़ था जहाँ हुज़ूर सल्लम जो है सजदा किए थे, तो हम लोग वहाँ चलेंगे। मामा इधर से रास्ता इधर से। तो गाइस ऊपर जो है पहाड़ में लोग वहाँ पर अभी हुज़ूर सल्लम जो है पहाड़ के ऊपर सजदा किए थे, तो हम लोग वहाँ जाएंगे थोड़ा सा दुआ मांग के आएंगे, लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं पूरा पहाड़ के ऊपर, आप लोग को बैक कैमरे से दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस देखिए ऊपर से लोग चल के आ रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर बच्चे फैमिली वगैरह भी है और मेरी बेटी भी पूरा आगे आगे चल रही है, मैं भी हूँ साथ में और भी फैमिलीज है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जो है हुज़ूर सल्लम जो है वहाँ पर सजदा किए थे गाइस, तो हम लोग वहाँ मकान में जाएंगे थोड़ा सा दुआ मांग के आएंगे गाइस। यहाँ पर देखिए पानी पीने के लिए भी इंतज़ाम करके रखा हुआ है मटका वगैरह। तो गाइस पहाड़ में देखिए बहुत ही ऊपर, हम लोग धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, अभी ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह दुआ मांग के आएंगे, बहुत ही पहाड़ तो बहुत गाइस डेंजर पहाड़, सांस फूल रहा है वैसे भी, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, बेटी मेरी स्पीड से आगे आगे भाग गई है। आ जाओ। तो भाई देखिए कितना डेंजर सा पहाड़ है, हम लोग गाड़ी वहाँ खड़ा करें गाइस, वहाँ से इधर से घूम के इधर आए। यहाँ पर जो गाइस मुसल्ला वगैरह बिछा हुआ है, यहाँ पर हुज़ूर सल्लम जो है सजदा किए थे गाइस, देखिए यहाँ पर मसाला वगैरह बिछा, लोग यहाँ पर सजदा वगैरह करते दुआ वगैरह करते। तो देखिए गाइस हम लोग पूरा जो है पहाड़ की चोटी में बैठे अभी फिलहाल, यहाँ पर हुज़ूर सल्लम जो है मेरे दोस्त को भी देखे
यहाँ पर हम सजदा किए थे, हम लोग ऊपर आए गाइस, यहाँ पर दुआ वगैरह मांगेंगे, बहुत ही ऊपर है, सांस वगैरह फूल गया चढ़ के चढ़ के तब। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से हम लोग आ गए, अब नीचे जा रहे हैं गाइस। पहाड़ बहुत ही डेंजर पहाड़ है गाइस, ऊपर पूरा हम लोग ऊपर गए थे गाइस चोटी में। यहाँ पर जो है गाइस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सजदा किए थे मकान पर, वहाँ पर मुसल्ला वगैरह बिछाए, लोग आए दुआ वगैरह करते, सजदा वगैरह करते। अच्छा अच्छा मम्मा जो मम्मा भी ऊपर चले गए थे, मम्मा पूरा ऊपर आ गई, मम्मा बोले थे पहाड़ पहाड़ में जाएगी, आ गई ना। दादाजान को बोल दो राजन मैं पहाड़ के ऊपर से आया, पहाड़ के ऊपर से आया। तो गाइस हम लोग फाइनली आके एक दूसरे जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गाइस मस्जिद फतह, तो यहाँ पर गाइस हुसैन जो है जंग के टाइम में 3 दिन लगातार दुआ किए थे, तो यहाँ पर जो हुसैन का दुआ कबूल हुआ था ये मस्जिद पे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये ऊपर जो मस्जिद दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, यहाँ पर गाइस जो है इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। ये छोटा सा मस्जिद पुराने ज़माने का रखा हुआ है, थोड़ा सा नमाज पढ़ने का एरिया है ये ऊपर। यहाँ पर लोग आते दो दो रकात नमाज पढ़ते, जो दुआ दिल की तमन्ना रहती मुराद पूरी होती है यहाँ पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुआ यहाँ पर कबूल हुआ था, हुजूर सल्लम 3 दिन यहाँ पर दुआ मांगे थे। और उसके अलावा यहाँ पर इसके बाजू में बिल्कुल एक बड़ा सा नया मस्जिद भी बना है, जामा अल खंदक करके मस्जिद खंदक करके ये नया मस्जिद बना हुआ है उसके बाजू में, ये हुकूमा बनाई है, नमाज वगैरह होता है। बाकी जो असली पुरानी मस्जिद है यही है मस्जिद अल फतह, फतह मतलब जीत को बोलते, जब जंग के टाइम में जीत के लिए हुजूर सल्लम ने यहाँ पर नमाज पढ़ी थी और दुआ की थी। देखिए गाइस सामने बेर का झाड़ भी है, खजूर का झाड़ भी है। तो हम लोग चलिए अभी ऊपर जाएंगे, वो ये सीढ़ियों से चलते चलते उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर में गाइस 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे जो भी। तो चलिए चलते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं गाइस। तो गाइस ऊपर से देखिए कितना खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, ये जो है मस्जिद है, इसके अंदर 2 रकात नमाज हमको पढ़ना है। ये भी पहाड़ी के ऊपर ही है गाइस, पूरा पहाड़ी के ऊपर था, अभी इधर सीढ़ियाँ वगैरह बन रहे, पहले नहीं था गाइस। और ये नई मस्जिद है खंदक। तो चलिए यहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे, दो रकात नमाज पढ़ लेते हैं यहाँ पर गाइस। तो गाइस हम लोग जो है यहाँ पर भी मस्जिद फतह में भी 2 रकात नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। यहाँ पर जो है हुज़ूर सल्लम की जो है दुआ कबूल हुई थी, यहाँ पर 3 दिन हुज़ूर सल्लम दुआ किए थे जब जंग के दौरान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर भी 2 रकात नफल नमाज पढ़ लिए। एक छोटी सी मस्जिद है, पुराने ज़माने की देख रहे होंगे, पूरी पथरीली की मस्जिद है, बाहर मुसल्ला वगैरह बिछा हुआ है और पहाड़ी के ऊपर है गाइस मस्जिद पूरा चोटी में। तो हम लोग नमाज वगैरह पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी मेरी क्या बोल रही है, बोलो मम्मा। क्या है, चूड़ी टूट गया, चूड़ी लेना है, देखो क्या। तो गाइस देखिए ये हम लोग अभी फ़िलहाल हैं हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पार्क में, और ये हौज सा बना हुआ है माशाल्लाह, और पानी ठंडा ठंडा आ रहा है। तो गाइस बेटी बोल रही है ऊपर मच्छी है, मेरी बेटी ठंडा ठंडा पानी छू रही है। ठंडा नहीं है मम्मा, मज़ा आ रहा है। गाइस हम लोग एक जगह पे आए हैं मदीना मनोवरा में, ये एक कुआं है गाइस, वाल है, इस कुएं से गाइस जो है पानी निकाल के जब हुज़ूर सल्लम का फौत हो चुका था, इंतकाल हो चुका था, हुज़ूर सल्लम जब दुनिया से जा रहे थे, तो ये कुएं से पानी निकाल के गाइस उनका गुसल दिलाया गया था। और ये बहुत ही शिफा वाला पानी है, सबील वाला पानी है। तो इधर लोग देख रहे होंगे पानी वगैरह लगा, लाइन लगा कर पानी भी ले रहे। मैं आप लोग को बैक कैमरे से कुआं वगैरह भी दिखाता हूँ, और लोग भी गाइस मेरे पीछे देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पानी वगैरह फिल करके बोतल में ले रहे हैं गाइस। घर सुवेल हुज़ूर सल्लम के कुएं के पास है ये कुआं गाइस, बहुत ही मुबारक है इसका पानी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए थे यहाँ पर वज़ू किए थे पानी से और पिए थे भी। और हमारे जो गाइड थे वो बोल रहे थे गाइस जब हुज़ूर सल्लम का फौत हुआ था, इंतकाल हुआ था, इसी कुएं के से पानी से उनको नहलाया गया था। तो माशाल्लाह, तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारा कुछ आज विजिट हो चुका, लगभग 17-18 डेस्टिनेशन हम लोग घूम घूम के देख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अब चलेंगे गाइस होटल में माशाल्लाह, मम्मा चलेंगे ठीक है, चलो। तो गाइस चलिए, ब्लॉग लास्ट तो बहुत ही बड़ा हो चुका होगा, आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। और वैसे भी मेरे मोबाइल का बैटरी जो है ड्रेन हो चुका है, तो मैं मेरी वाइफ के मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी कैसा आएगा पता नहीं। तो चलिए
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, मकान जो दिखाया आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वीडियो सऊदी अरब के हर जगह के लेके आऊँगा। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय मम्मा, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, गुड बाय। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबऊ लिस्वफ़ा सही।